हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीएस एकेडमी। नाउ इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन में क्या पढ़ेंगे हम, पहले कम्युनिज्म प्रॉब्लम। कम्युनिज्म प्रॉब्लम क्या क्या होता है इसका हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अनदर वन, यानी कोई भी एक धर्म के लोग जो फॉलो करते हैं उसे दूसरे द्वारा क्या दिया जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उसको दबाया जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन रिलीजन इज सीन एज अ बेसिक ऑफ द नेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन इज फॉर्म्ड इज अपोजिशन बाय अनदर, यानी कोई एक रिलीजन का डिमांड हो और दूसरा क्या करे, उसके अपोजिशन खड़े हो जाए। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट द बिलीफ ऑफ वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर, यानी कि जब क्या होता है, जब एक पीपल बिलीव किया ले कि उसका रिलीजन क्या है दूसरे वाले से क्या है बहुत ज्यादा बढ़िया है और अच्छा है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ऑफ रिलीजन ओवर रेस्ट, यानी जब गवर्नमेंट क्या करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, किसी एक को क्या कर दिया जाए, डोमिनेंस करे या उसको आगे बढ़ाए, तो भी ये क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसे सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, जहां पर क्या सारे धर्म को लोगों को रहने की आजादी हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टार्ट्स टू एनी वन रिलीजन, यानी हमारा संविधान क्या करता है, किसी भी एक रिलीजन को धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सबको बराबर का इक्वल का दर्जा देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिस्ट द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हो, किसी की पूजा आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन इन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट्स टू इंटरप्ट बिटवीन द रिलीजन मैटर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वेलिटी विद द रिलीजियस कम्युनिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अगर कोई भेदभाव आता है किसी रिलीजन के बेस पे तो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है और उस मैटर को क्या करता है, सॉल्व करता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, यानी मान लो पहले छुआछूत की प्रॉब्लम चलती थी कि हम चमार के आने खाएंगे या पियेंगे नहीं या उठेंगे नहीं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, इसे बैन किया गया और अब क्या है, अनटचेबिलिटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी छुआछूत की तरफ प्रॉब्लम नहीं कर सकता। तो इस पार्ट में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम कास्ट से रिलेटेड कास्ट को कवर करेंगे, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।